नमस्कार दोस्तों, आज 30 नवंबर 2023 दिन वीरवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां आई, आज के आलू के क्या क्या रेट है। जी चलिए दोस्तों, जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट हैं, चाहे ये नया आलू हो, पुराने वाला आलू हो, ये लाल आलू हो जिसको LR बोलते हैं, ये भी LR है। चलिए जानते हैं आज की क्या कुछ रिपोर्ट है, कितनी नई गाड़ियां आई, कितनी पुरानी बैलेंस बची और नए में क्या कुछ सुधार है। जी आज की क्या रिपोर्ट और ये बैलेंस कितना रह गया। जी सर जी नमस्कार। जी नमस्कार राणा जी। नमस्कार जी बाबू जी, कैसे हो जी? बढ़िया जी राणा जी, आप सुनाओ बाबू जी, आज का क्या माहौल है जी, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी बैलेंस, क्या पोजीशन चल रही है आलू मंडी की, रिपोर्ट क्या है जी? आज सुबह सब लोग 9:30 बज गए जी, आज नया आलू तो राणा जी कम आया आज। वाह जी, टोटल 52 गाड़ी है, कल की 4-5 बैलेंस थी खड़ी, टोटल उसको मिला के 52 गाड़ी है। ऊना में रात से हो रही है बारिश। अच्छा जी, पटाइयां बंद है। अच्छा, पटाइयां कम होंगी। अच्छा हाँ जी, तो आज रात से भी बारिश चल रही है वहां पर? हाँ रात से बारिश हो रही है। तो फिर इसका मार्केट में क्या असर पड़ेगा जी? आज 50 से 100 रुपए की तेजी है जी कल से। वाह जी वाह, वाह जी वाह, फिर तो नजारा आ गया जी। हाँ जी। अच्छा कल भी बाजार ठीक था जी? कल भी ठीक रहेगा। अच्छा जी, नएगा कल भी ठीक रहेगा। अच्छा जी, उसके ठीक रहने से थोड़ा बहुत पुराना भी बिकेगा, जिनको नया आलू 52 गाड़ी में, सबको तो पूरी दिल्ली में तो नया नहीं मिल जाएगा 52 गाड़ी में। अच्छा जी, तो जिनको नहीं मिलेगा वो थोड़ा बहुत पुराना नीचे उतरा हुआ कोई गाड़ी वाला कोई कुछ ना कुछ लेंगे। यानी ये लगा लो 2-4 दिन का जीवन दान इसको और मिल गया जी। हाँ शनिवार तक तो चलेगा काम। अच्छा जी, बाकी ठीक है जी। तो आज नए की कितनी आई जी? टोटल 52 गाड़ी है नई की, बैलेंस मिला। टोटल मंडी में कितनी हो रही है? टोटल मंडी टोटल मंडी में 151 गाड़ी है जी। टोटल मंडी में 151 गाड़ी, 50 तो है कोल्ड स्टोर की जी। अच्छा जी, 28 है चिप्सोना की। अच्छा जी, 12 सूर्या की। अच्छा जी, 9 LR की। हाँ जी, और 52 नए की जी। अच्छा जी, अच्छा टोटल 151। अच्छा, और 21,300 कट्टे नीचे उतरे हुए हैं जो डंप में। वो यो खतरनाक काम है जी, ये बिकने वाला ही नहीं है राणा जी, गोली गुल्ला है ज्यादा इसमें। अच्छा, जैसे वो पंचर वाली दुकान के बाहर जाए, मिस्त्री की दुकान के बाहर बिना इंजन की मोटरसाइकिल खड़ी, मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं, कार खड़ी कर देते हैं, डब्बा ऐसे ही 2-4 हजार का भी नहीं पता रहेगा भी मिस्त्री की दुकान है। मिस्त्री की दुकान है, इससे पता रहेगा जी कि आलू मंडी है जी। हाँ वो है भाई, आलू की दुकान है, आलू की आदत है। अच्छा, कुछ ना कुछ नजर पट्टू पड़ा रहना चाहिए। अच्छा जी, अच्छा, यानी वो ऐसे माल है। अच्छे आलू में आज बाजार तेज है। अच्छा आलू 37-97 भी बढ़िया ग्राहक को मिल नहीं रहा। अच्छा जी, सूर्या और चिप्सोना के तो ठीक है बाजार। अच्छा, लेकिन 37-97 भी अच्छे आलू की डिमांड है, मिल नहीं रहा लोगों को। अच्छा जी, अच्छा आज के 37-97 के क्या बाजार चले जी भाजी? 37-97 का बाजार है 400 से लेके 500 रुपए तक। अच्छा, बढ़िया माल का नंबर एक। और चिप्सोना के जी बाजार आज की? चिप्सोना का है 700 से 800 रुपए। ये कहाँ वाले जी? चंदोसी वाले जी। और जो ये अलीगढ़ इगलास के? अलीगढ़ इगलास के है 550 से 650। अच्छा जी, और अपना सूर्या के बाजार जी आज? सूर्या के बाजार है 900 से 1000 रुपए बढ़िया आलू का, चंदोसी वाले जी। चंदोसी वाले। और जो अलीगढ़ इगलास में? अलीगढ़ वाले वही है 650 से 700। अच्छा जी, अच्छा। और जो आज लाल में क्या देखने को मिला जी? LR में LR बिक रहा है जी 12 से लेके 14 रुपए किलो तक। 12 से 14 रुपए गुजरात किलो जी, गुजरात का जो पास नहीं है। अच्छा जी, पास आलू है 20 रुपए 21 रुपए किलो। किलो जी? हाँ जी। अच्छा जी, और ये कौन? यूपी पंजाब का तो आ नहीं रहा। ये कौन सी शकरकंदी जैसी वैरायटी जी है? ये ऑफ वैरायटी है ये। अच्छा जी, लाल में आज बिकने वाला नहीं है ये। अच्छा जी, ठीक है जी। इसका भाव 100-150-200 रुपए कट्टा है। इसमें क्या वैसी है जी ऐसी बात? क्वालिटी अलग अलग है, किसान लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई अलग अलग सीड लगाते हैं। अच्छा, दिल्ली में चलता नहीं है। अच्छा जी, और जो यूपी का आलू है जी आज, यूपी वाले LR? यूपी वाले LR आ नहीं रहे, अगर आएंगे तो वही 600 के आसपास बिकेंगे, 550-600। अच्छा जी, अच्छा, आ नहीं रहा यूपी पंजाब का। तो ये बताओ जी आज नए में क्या रेट है, नए के क्या रेट है और कितनी तेजी आई नए में? नए के बड़े आलू 550 रुपए तक है जी आज। नए आलू बढ़िया 550 तक जी। और नीचे में जी? नीचे में 400-450। अच्छा जी, यानी 400 रुपए से लेकर 550 रुपए तक। 350 के थे वो 450 के हैं। अच्छा जी, 450 के थे वो 550 के हैं। अच्छा जी, अच्छा 100 रुपए का उछाल है जी। 100 रुपए का उछाल है। अच्छा जी, और कल भी माल कम आएगा। अच्छा जी, कल भी नया आलू कम आएगा, बारिश रुकी नहीं है अभी। यानी किसी के करने से तो है नहीं, जो है अब कुदरत नहीं कर रही, कुदरत ही करती है जो करती है। भगवान से मांगना चाहिए, इंसान से कभी कुछ मत मांगो। अगर मैं आपको 10 रुपए दूंगा, 10 साल बाद भी मिलूंगा तो कहूंगा राणा जी से 10 रुपए लेने हैं मैंने। अच्छा जी, भगवान तो लाखों करोड़ों अरबों दे के भूल जाता है, उसका शुक्राना करो बस। शुक्र है जो जिस हाल में रख रहा है, अच्छा रख रहा है। आदमी से कभी उम्मीद मत लगाओ,
भगवान से उम्मीद लगाओ हमेशा। यानी जो भी करा भी है कुदरत ने करा, जो भी कुदरत नहीं करा है, नहीं किसी के माल पचाए से यहाँ से माल उठाए कहीं की वो देखो ये कुदरत नहीं करा है। जो स्टोर को एक महीना मिल गया, पंजाब में बारिश हो गई, पंजाब का आलू लेट हो गया। अच्छा जी, ये कुदरत नहीं करा है। जो 20-25 दिन एक महीना स्टोर वालों को चांस ज्यादा मिल गया। अच्छा जी, ये कुदरत की बात है। अगर पंजाब में कुदरत बारिश ना करती तो आलू तो टाइम से आ जाता है यहाँ, 25 अक्टूबर को आ जाता नहीं आलू, और कोई बीमारी भी ना लगती, कोई पटल भी ना होता, कोई कुछ ना होता। ये सब कुदरत का करिश्मा है, पता नहीं रातों रात क्या कर दे वो कुदरत। ठीक है जी, कल शाम तक मौसम ठीक था, रात को बारिश कर दी कुदरत ने। अच्छा जी, अब एक दो दिन पटाई बंद रहेगी। तो फिर जहाँ पटाई बंद होगी तो इसमें तो समझ लो कल भी बाजार ठीक रहेगा, हो सकता है ठीक रहेगा, परसों भी ठीक रहेगा जी, ठीक रहेगा। ठीक है जी, चलो शुक्रवार है, परसों शनिवार है, बाजार एक दो दिन ठीक है। और शनिवार को तो वैसे भी डबल मंडी होती है जी। हाँ जी, डिमांड भी पूरी होगा जी। अब देखो आज बारिश रुक जाए तो फिर कल पटाई लगेगी, वो फिर शनिवार को आएगा माल। अच्छा जी, अच्छा है। चलिए जी, वैसे जो ग्राहकों का हाल चाल है जी, तेजी में खरीद रहे जी, स्पीड रहे जी, खरीद रहे। नया आलू तो बिक गया लगभग, बड़ी आलू तो बिक गया। अच्छा जी, नया आलू बिक लिया जी, यानी 9:30 बजे। हाँ, बड़ी आलू नया बिक गया जी। अच्छा, नहीं ये 11 बजे तक जरते रगड़ते रहा जी, उधर देखते रहा। अब जो ग्राहक को नया नहीं मिलेगा वो पुराने पे नंबर लगेगा। अच्छा जी, अब पुराना भी बिकेगा थोड़ा। चलो जी, वीडियो डाल लूं, खुशी की बात है जी, कम से कम आज कुछ तो खुशी मिली जी। हाँ जी, आलू मंडी में आके माल बैलेंस खत्म हो जाना जी। ये गोली गुल्ले एक बार खत्म हो जाए तो माल तो कंट्रोल में आ रहा है। अच्छा जी, ये जो बैलेंस 21,300 कट्टा पड़ा है भैया, तो फिर आपने कहा ना भी बिना इंजन के है ना जी ये तो। हाँ जी, हाँ जी, बिन के अंदर तो मोगलैल ना इंजन ना पिस्टन, ये तो वैसे बिना उसके आलू है जी। पुराना भी अब धीरे धीरे कम हो जाएगा, स्टोरों में ज्यादा माल नहीं है पुराना आलू। अच्छा जी, बढ़िया माल नहीं है, और पीछे साउथ में तेजी है, 500-600 रुपए, 650 रुपए पीछे ही बाजार है आगरा में, खंदोली में। अच्छा जी, कोल्ड स्टोर का, इसलिए पुराने आलू भी अब ज्यादा नहीं है। उम्मीद है, आप देखो कुछ ना कुछ ठीक होता चला जाएगा। चलिए, धन्यवाद सर जी, बहुत धन्यवाद आपका भी, सब किसान भाइयों का, व्यापारियों का, स्टोर मालिकों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों आलू का ही काम है।